नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। शनिवार को देश में 18,32,000 सैंपल की हुई जांच, अब तक लगभग 34 करोड़ कोरोना के टेस्ट हुए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,11,000 संक्रमित मिले, 4,077 मरीजों ने तोड़ा दम। शहर में घटने लगा मौतों का आंकड़ा, अस्पतालों को मिली राहत। शहर में 24 घंटे के भीतर 48 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान, 1,510 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। कांग्रेस सांसद राजीव सातव का रविवार को कोरोना के चलते हुआ निधन, 46 साल के थे राजीव सातव। पालक मंत्री ने तत्काल कमेटी गठित करने का दिया निर्देश, मनमाने बिलों की जांच करेगी समिति। एनडीए सदस्य ने वाइन शॉप पर की कार्रवाई, सावजी होटल को किया सील। गडकरी फडणवीस को सौंपा ज्ञापन, अनावश्यक फीस करे रद्द की थी मांग। मंगलवारी जोन के कुछ इलाकों में कोविड टेस्ट वैन के माध्यम से की गई कोरोना जांच, पकड़ पकड़ कर हो रहा कोरोना टेस्ट। विजय हत्याकांड जांच में जुटी 5 टीमें, नहीं मिल रहा हत्यारे का कोई सुराग, MIDC पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।